यार गाड़ी में निकला है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बीएस फोर इसमें डीजल की प्रॉब्लम निकली, ये निकला इसके अंदर मिनी फोर्ड में से, ये देखो मिक्सर डीजल भराने से ये गाइस आज एक नई प्रॉब्लम बताने वाले हैं हम आपको। इसमें रिंगे पिस्टन ख़त्म हो चुके हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं मिनी पोर्ट के अंदर कितनी डस्ट है, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ये पूरा इसमें डस्ट जम गया है, ये आपको ये देखिए ये इसके अंदर निकला। और आप ये हेड की कंडीशन देखिए, ये हेड की कंडीशन है, इसके अंदर ये होल दे रखे हैं जो इसके, ये सीधा मेन अपने पिस्टनों पे जाता है, ये एमरी है इसमें, पिस्टनों पे जाकर ही बाद रिंगों पे जाएगा है ना, तो इसके ऊपर गया नहीं तो लाइनर काट देगी, लाइनर काट। एक बार आप पिस्टन बताएंगे अयूब भाई, नीचे से पकड़ पिस्टन दूंगा, एक बार पिस्टन की कंडीशन बताइए, चैनल का नाम तो बता देता, बेल आइकन तो बता देता। ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, आप देख सकते हैं इसमें ये इतना गैप हो गया, ये रिंगे कट गई, ये ऐसे रिंग हिलनी नहीं चाहिए, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। तो गाइस ये गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी चलती चलती बंद हो गई थी है ना, तो इसमें हमने, ये गाड़ी BS4 है तो इसमें हम स्कैन टूल लगाने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए गए थे, तो फिर वहाँ पे हम इसमें वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेंसर वगैरह सब काम कर रहे थे, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो हमने इसको इसका हेड खोला है, एक तो हेड खोल के इसकी कंडीशन देखी है, तो इसके रिंग और पिस्टन ख़राब हो चुके हैं। तो ये ख़राब होने की वजह भी आपको पता चली गई होगी यहाँ पे गाइस, ये वाल की कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसकी सीटें भी ख़राब हो चुकी है ना, तो इनकी सीटें भी ख़राब हो चुकी है, वाल भी ख़राब हो चुकी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें कंप्रेसर नहीं बन रहा है, तो कंप्रेसर नहीं बनेगा गाड़ी में तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कंप्रेसर वीक होगा इसका, ऊपर से धो रहे हैं भी नीचे से, 49-23 है अशोक लेलैंड की, नीचे से कुछ नहीं देंगे, लो भाई इसके मेन बिगन और इसके कनेक्टिंग है तो कंप्लीट है, बहुत रंगीले हैं, दिन में 3 बार जाकर आते हैं, ये देखिए इसके पीस भी एकदम ओके हैं, पीस वगैरह बच गए, तो मेन प्रॉब्लम तो इसमें इसी की है, डस्ट वगैरह की और ये वाल की, तो अभी इसका इस हेड का काम भी होगा पूरा जनरल, तो एक मिनट अयूब भाई को हम आपको ब्लॉक की कंडीशन भी दिखा देते हैं, ऊपर गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और अयूब भाई से पूछते हैं ब्लॉक की क्या पोजीशन है और ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो हमें अयूब भाई बताएंगे, एकदम सही से जानकारी देंगे आपको, पूरी वीडियो पे बने रहे अयूब भाई। हाँ जी, तो आप बताएंगे दोस्तों को हमारे इसमें क्या, ये लाइनर कट चुकी है, ये लाइनर है, ये लाइनर बोर्ड डाउन हो गए, अच्छा लाइनर भी गए, ये लाइनर है इसमें लग रहे हैं जो, ये लाइनर बोर्ड डाउन हो गए, डाउन हो चुके हैं ना, डाउन हो चुके हैं, बहुत कट गए इसलिए, ये भी कट गए हैं, ये डस्ट की वजह, ये डस्ट की वजह से कट गए है ना, तो धुआं देने लग गए, धुआं भी दे रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, बैक से धुआं दे रही है, पहले तो धुआं ही दे रही थी, फिर बाद में स्टार्ट होना बंद होगी, तो अभी इसमें ब्लॉक तो कंप्लीट होगा, ब्लॉक तो कंप्लीट है, लाइनर डलेंगे और रिंगा डलेगी, अच्छा ठीक है, तो दोस्तों अयूब भाई के लिए बने रहे हमारी वीडियो में, लाइक और शेयर और कमेंट और घंटा का बटन दबाना ना भूले, ये स्किट सही होगी इसकी, और ये हमारे गैस किट की पोजीशन क्या है अयूब भाई, ये हमारा गैस किट तो ये देखो ये है, ये भी खत्म हो चुका है, यहाँ से पपड़ी उगल चुकी है, बल चुका है, यहाँ से ये पपड़ी उगल चुकी है और इधर से भी बाहर ये हीट मार, गैस किट भी पूरा डैमेज हो चुका है, डैमेज हो चुका है, यहाँ से गैस बना रहा है, हाँ तो यहाँ से भी कंप्रेशन वीक हो रहा है इसका, कंप्रेशन वीक हो गया है, तो ये सब डस्ट की वजह से हुआ है ना, कहाँ से जो हम आपको बताएंगे अभी, डस्ट कहाँ से आएगी वो भी बताएंगे आपको, हमारे इस्लाम भाई बताएंगे, और ये हमारे बहुत ही बड़े मैकेनिक साहब हैं, नाम बताइए आपका, तो सिर्फ
आज यार गाड़ी में निकला, यार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी बी एस फोर, इसमें डीजल की प्रॉब्लम मिल गई, तो निकला इसके अंदर मिनी फोर्ड में से। ये देखो मिक्सर डीजल भराने से ये एमरी है, एमरी नहीं है, डीजल का कार्बन है। अच्छा बायो डीजल का, बायो डीजल नहीं है सर, अलग ही डीजल है, मिक्स डीजल है, केमिकल मिला हुआ कोई, इसकी वजह से इसमें रिंगे पिस्टन कर। ठीक है बिल्कुल, पता मेरे दो तीन महीने पहले काम है तो वापस मिस्टेक आती है।